हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने MSI GF63 लैपटॉप की रैम अपग्रेड करनी है। सबसे पहले आपने ये पीछे वाला कवर हटाना है, उसके लिए आपको ये सारे स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद आपने इसको पीछे किसी चीज़ से, ऐसे कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ लेकर उसको ऐसे ओपन करना है। बेसिकली यहाँ पे प्लास्टिक के इसके अंदर ना लॉक होते हैं, वो निकालने होते हैं। ऐसे स्लाइड करने से वो अपने आप खुल जाते हैं। यहाँ से तो अब ईजिली हो जाएगा, लेकिन साइड में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस साइड USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट और एग्जॉस्ट वेंट्स हैं, और इस तरफ भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आपका जो, जैसे मैंने जो स्केल लिया है, कुछ जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो अंदर किसी चीज़ के साथ लगे ना अंदर, कि वो कोई उसका कनेक्शन वगैरह ना टूट जाए अंदर, वो USB वगैरह। साइड में थोड़ा इजी है, पीछे में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और ऐसे इसको खोल लेना आपने, काफ़ी धूल जमा हो गई है इसके अंदर। पहले जो रैम है इसमें 8 GB है, जो पहले से आती है, और हम अपग्रेड कर रहे हैं क्रूशियल की 16 GB रैम डाल रहे हैं। दो स्लॉट हैं, एक में मेरे पहले से 8 GB लगी हुई है, और इसमें मैं 16 GB की क्रूशियल की रैम है वो लगा रहा हूँ। DDR4 है तो लगा रहा हूँ। टोटल अब हो जाएगी 24 GB। और यहाँ पे मैंने ये लगाई हुई है एक्स्ट्रा एक स्टोरेज, हार्ड डिस्क लगाई हुई है, ये भी आप लगा सकते हैं। और दोबारा से इसको ऐसे क्लोज करना, थोड़ा ध्यान रखना आपने प्रेस करने से पहले, अच्छी तरह से इसको लगा लेना बीच में, फिर जो लॉक होते हैं उसको प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएंगे अपने आप। पीछे वाला जो है एरिया, वो थोड़ा सा ध्यान से लगाना आपने, क्योंकि उसके ऊपर जो एक और प्लास्टिक की लगा तो कवर, ये भी लगना होता है। अच्छी तरह से प्रेस कर लेना, जो लॉक है वो अपने आप सही बैठ जाए, और उसके बाद जो स्क्रू हमने खोले थे वो दोबारा से हम लगा देंगे। और ये रैम अपग्रेड हो चुकी है। चलो इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कितना शो हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको चेक करवा देते हैं। पहले यहाँ पे थी इंस्टॉल रैम 8 GB, अब हो गई है 24 GB।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।